जय हिंद बहनों और भाइयों, मैं विकास कुमार ठाकुर, मेरे बीके ठाकुर टैग चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथ ही हर न्यू अपडेट पाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल आइकन को दबाइए। और आज हम बात करेंगे नए टॉपिक पे, और जिसका नाम है SSC CH SL+2 ऑनलाइन फॉर्म 2023। जी हाँ, SSC CH SL+2 फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज हम बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जिसका इंतज़ार लाखों स्टूडेंट को था, और 9/5/2023 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और हम उस स्टूडेंट तक पहुंचाना चाहते हैं जो घर में रहकर या घर से बाहर माँ पिता भाई और बहन को छोड़कर शहर में रहकर या गांव में रहकर तैयारी करते हैं, जहां जानकारी हम पहुंचाएंगे यूट्यूब के माध्यम से और बीके ठाकुर टैग चैनल के माध्यम से। तो बात करते हैं एसएससी के CHSL+2 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2023 के बारे में। तो चलते हैं हम लैपटॉप स्क्रीन पे। हम आ गए ये लैपटॉप स्क्रीन पे, और यहाँ पे जो है कि गूगल को ओपन करते हैं और यहाँ पे सर्च बार में जो है कि टाइप करते हैं सरकारी रिजल्ट। और जैसे जो है कि सरकारी रिजल्ट, ये ध्यान देने वाली बात है, www.sarkaririzult.com ये प्रॉपर जो है कि टाइप करना है, नहीं तो कुछ और इस पे जो है कि ओपन हो जाएगा। और ये फर्स्ट जो है कि इसको ओपन करेंगे और इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा जो है कि हम ऊपर करें कोशिश करेंगे। और ये देखिए हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो है कि यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट डेट दिया हुआ है यहाँ पे। अप्लीकेशन बिगन यानी कि स्टार्ट हुआ है 9 मई 2023 से हुआ है, और लास्ट डेट जो है कि रजिस्ट्रेशन का है 8/6/2023 है। ऑनलाइन पेमेंट लास्ट डेट है 10/6/2023 का। ऑफलाइन पेमेंट लास्ट डेट है 11/6/2023 है। करेक्शन डेट 14 और 15 जून 2023 का है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट पेपर वन का जो है कि 2 से लेके 22 अगस्त 2023 तक है, और पेपर टू एग्जामिनेशन डेट जो है कि एज पर शेड्यूल जो भी होगा उसके हिसाब से जारी किया जाएगा। अप्लीकेशन फी है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 100 रुपये लगता है, और SC ST और PH यानी हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए कोई भी फी नहीं लगता है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फी नहीं है, इनका छूट है। और पेमेंट जो कर सकते हैं आप, पेमेंट द एग्जामिनेशन की थॉट ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग फी मोड ऑनली यानी कि इसके माध्यम से कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है SSC CH SL नोटिफिकेशन 2023 एज लिमिट एज 1/8/2023 का है। मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम 27 साल है। और एज रिलेक्शन एक्स्ट्रा पर द SSC कम्बाइंड हायर सेकेंडरी प्लस टू लेवल एग्जामिनेशन जो इसके रूल में आता है उसके तहत जो है कि सारा चीज़ ये होता है। और ये SSC+2 के लिए जो है जो रिक्वायरमेंट 2023 का है रिक्रूटमेंट, और वैकेंसी टोटल 1600 पोस्टों के लिए है, और यहाँ पे सारा जो है कि ये दिया हुआ है। और यहाँ पे हम बात करेंगे ये सारा जो है कि इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो है कि अप्लाई ऑनलाइन दिया हुआ है और अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। और बाकी इससे पहले अगर आप एक नोटिफिकेशन देख सकते हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे सारा मेंशन किया हुआ है कैसे कैसे क्या जो है कि अपने को पढ़ना है वो सारा इसमें मेंशन किया हुआ है। फिर भी जो है कि हम आज स्टेप बाय स्टेप जो है कि ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, क्लिक करते हैं ऑनलाइन अप्लाई पे। और सबसे फर्स्ट में जो है कि अगर आपने कभी भी SSC का फॉर्म भरा है तो आपको रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ा होगा, और वो रजिस्ट्रेशन यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अगर आप उसका पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, या कभी फॉर्म नहीं आपने भरा है, न्यू यूजर्स हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो है कि आपका एक पेज ओपन हो जाएगा और स्टेप बाई स्टेप देखते हैं यहाँ पे क्या है। डू यू बेसिक डिटेल यहाँ पे पहले भरना है अपना। डू यू हैव आधार, अगर आपके पास आधार है तो यस करना है, अगर आधार नहीं है तो नो करना है। अगर आधार है तो आधार नंबर यहाँ पे डालना है और वेरीफाई आधार नंबर दोबारा डालना है। टाइप
ऑफ आईडी में जो आधार आपने डाल ही दिया है ये है, और आईडी नंबर का तो मतलब नहीं, आधार आपने दिया है, अगर नहीं है तो इसको नो करना है। और जैसे ही नो करेंगे तो आईडी है गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, तो इनमें से जो भी मेंशन करना है आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है कि आईडी नंबर यहाँ पे जो भी आपने पैन कार्ड डाला, आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड डाला है, यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे लगेगा, नाम लगेगा, यहाँ पे नाम डालना है, यहाँ पे दोबारा वेरीफाई के लिए नाम डालना है, और यहाँ पे हैव यू इन जो चेंज, अगर आपने नाम को चेंज किया है कभी, यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं किया है तो नो रहने देना है, और यहाँ पे अगर चेंज किया है तो फिर दोबारा मांगेगा, नहीं तो कोई ये जो है कि हाइड रहेगा। फादर्स नेम में डालना है, और यहाँ पे वेरीफाई फादर्स नेम दोबारा डालना है, मदर नाम डालना है, यहाँ पे फिर वेरीफाई के लिए दोबारा मदर्स का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका, सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से ये आप जो है कि डालेंगे, फिर से जो है कि वेरीफाई के लिए डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और मैट्रिकुलेशन इन 10th क्लास एग्जामिनेशन डिटेल डालना है, एग्जामिनेशन बोर्ड किस बोर्ड से हैं आप, जहाँ से भी हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि बिहार बोर्ड से, यहाँ पे जो है कि बिहार एजुकेशन, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड डालना है यहाँ पे, और जो जहाँ से है वो यहाँ पे डालना है, और वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड है यहाँ पे, तो वो जो है कि यहाँ पे डालना है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड डालना है, रोल नंबर जो भी आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर डालना है, और वेरीफाई रोल नंबर डालना है, फिर दोबारा डालना है पासिंग ईयर कब आपने पास किया है वो यहाँ पे डालना है, वेरीफाई पासिंग ईयर, फिर दोबारा कब आपने पास किया वो डालना है, जेंडर मेल फीमेल एक्स जेंडर जो भी है यहाँ पे अपने जो है कि हिसाब से डालना है, वेरीफाई जेंडर जो है कि मेल है फीमेल है जो भी है वो भी डालना है यहाँ पे, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन क्या है उसके हिसाब से, जैसे कि वैकेंसी प्लस टू के लिए प्लस टू के लिए, या फिर हायर सेकेंड जो भी आपका हायर एजुकेशन है वो डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर जो भी आप डालना है वेरीफाई मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी और डालना है, और वेरीफाई ईमेल आईडी डालना है, और वही डालना है जो आपके पास रहता है, और स्टेट में जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट डालना है, जैसे मैं बिहार से, बिहार से मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे सेव करना है, जैसे मैंने सेव किया और सेव करने के बाद प्लीज़ कंफर्म योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म, आइडेंटिफिकेशन ओटीपी विल बी सेंड योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बिफोर फाइनल सबमिशन, यानी कि सबमिट करने से पहले एक बार ये बोल रहा है कंफर्म हो जाने के लिए, और यहाँ पर मैं कंफर्म करता हूँ, कंफर्म जैसे किया तो यहाँ पर दिया हुआ है बेसिक डिटेल आर द सेव रजिस्ट्रेशन इन द, सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब इसका है कि अगर 14 दिन के अंदर अगर आप इसको पूरी फाइनली सबमिट नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिक जो है कि डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लोज करते हैं, जैसे ही क्लोज किए यहाँ पे दिया हुआ योर रजिस्ट्रेशन इन द अर्सल एंड द शुड बी द कम्प्लीटेड विद इन 14 डेज फाइलिंग विद द डाटा शुड बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड, यहाँ से इसको जो है कि रजिस्ट्रेशन नंबर मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट किया, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आया हुआ है, और यूजर रजिस्ट्रेशन नंबर या यूजर नेम ये आया हुआ है, और यहाँ पे पासवर्ड जो है कि पासवर्ड हमारा 4 अंकों का आता है, और ये 4 अंकों का मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, और यहाँ पे कैप्चा फिल करता हूँ, कैप्चा और लॉगिन पे, और जैसे जो है कि मैं यूजर आईडी और पासवर्ड डाला जो हमारे मोबाइल पे आया होता मैसेज के माध्यम से मैंने डालने के बाद, तो यहाँ पे चेंज पासवर्ड का आता है, और डियर कैंडिडेट दिस यूर द फर्स्ट लॉगिन प्लीज़ चेंज योर पासवर्ड, पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है, और जो है कि यहाँ पे दिया हुआ है ईमेल आईडी हमारा है, यूजर नेम है, ओल्ड पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड जो भी है आपका मैसेज के माध्यम से आया है वो डालना है यहाँ पे, न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है, तो न्यू पास क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद जो है कि यहाँ पे सारा चीज़ आ गया है हमारा, यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो है कि ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया हुआ है सारा मेंशन किया हुआ है, डू यू हैव आधार, आधार कार्ड नहीं है हमारे पास यहाँ पे, कोई बात नहीं, पैन नंबर है ये, हमने पैन नंबर डाला है, और
सारा जो भी हमने डाला हुआ है वो सारा डाटा आ गया है यहाँ पे। और फिर जो है कि नेक्स्ट करते हैं। जैसे नेक्स्ट किए यहाँ पे जो है कि सेकंड इसमें आ गए हैं। और कैटेगरी पूछ रहा है, कैटेगरी आप किस कैटेगरी में है, जनरल है, EWS में, OBC, SC, ST जिसमें है आप उसको जो है कि मेंशन करेंगे अपने हिसाब से। और अब वेरीफाई कैटेगरी के लिए जो है कि फिर इसको वेरीफाई करेंगे। और नेशनलिटी कहाँ के हैं आप, इंडिया के हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडिया के डालना है वेरीफाई। आइडेंटिटी आपका जो है कि जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो डालना है अपने हिसाब से। आर यू पर्सन विथ बेंच मार्क डिजेबिलिटी, अगर आप डिजेबिलिटी हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। अगर यस है तो टाइप में जो है कि यहाँ पे मेंशन करना है डिजेबिलिटी किस कैटेगरी से है। यहाँ पे आपका जो है कि चार ऑप्शन दिया हुआ है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है, हैरी हैंडीकैप है, विजुअली हैंडीकैप है, या अदर किसी और सोर्सेस से हैं, तो वो जो है कि डालना है। तो अपने हिसाब से ये डालना है आपको। यहाँ पे डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, जो भी आपका डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर है वो डालना है। और अभी तो जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी UDID कार्ड बन रहा है, तो UDID कार्ड के साथ जो है कि ई डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट बन रहा है, तो आप उसका नंबर डालें, या फिर ओल्ड बना हुआ है, पुराना बना हुआ है तो वो डाल सकते हैं। या ई UDID कार्ड बनाने के लिए हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप यहां से भी बना सकते हैं। चलते हैं बात करते हैं इस परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो यहां पे एड्रेस आप मेंशन करेंगे। और यहां पे स्टेट जो है कि किस स्टेट से हैं वो स्टेट मेंशन करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे। पिन कोड डालेंगे। और यहाँ पे ये जो है कि इफ प्रेजेंट एड्रेस सेम, अगर आपका सेम है तो यस करेंगे, अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। और सारा चीज़ जो है कि इसको कॉन्टेक्ट डिटेल दे, और नेशनल ऐसा कुछ नहीं, तो इसको सारा जो है कि अच्छे से फिलअप कर लेंगे। और जो है कि फिर यहाँ पे सेव करने के बाद एडिशनल एंड द कॉन्टेक्ट डिटेल आर सेव्ड सक्सेसफुली हो गया है। और यहाँ पे सक्सेस होने के बाद क्लोज कर देना है। और तीसरा जो है कि डिक्लेरेशन आ जाता है यहाँ पे। और डिक्लेरेशन में दिया हुआ है कि आपने जितना सारा चीज़ भरा है वो आपके नॉलेज आपके हिसाब से सही है, तो आई एग्री करना है। और जो है कि सेव एंड ड्राफ्ट पे करना है। और जैसे ये करते हैं तो जो है कि यहाँ से फाइनल सबमिशन करते हैं, फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे फाइनल सबमिट करते हैं और एक OTP आएगा, और OTP को जो है कि यहाँ पे, और एक मेल पे आएगा, ये मोबाइल पे एक मेल पे आएगा आपको। आप एक कैप्चा फिलअप करेंगे, यहाँ पे मैंने डाल दिया है मोबाइल पे जो OTP आया, और जो मेल पे OTP आया, और कैप्चा सबमिट, कैप्चा का जो है कि ये डाला, और मैंने जो है कि सबमिट कर दिया। जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पे जो है कि एक नया पेज आ जाएगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और सारा यहाँ पे देख रहे हैं। और इसके हिसाब से जो है कि कुछ अगर एप्लीकेशन हिस्ट्री चेक करना है, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन मॉडिफाई करना है, रिजल्ट मार्क्स जो भी है यहाँ पे देन, यू हैव सक्सेसफुली कम्प्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन, ये इतना इतना सारा चीज़ दिया हुआ है जो भी है यहाँ पे, और ओके करना है। ओके करने के बाद जो है कि यहाँ पे आपका एक मैसेज आता है, और मैसेज में सारा मेंशन किया हुआ यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन स्टार्टेड डेट दिया हुआ है, एप्लीकेशन इन डेट जो है कि ये 8/6/2023 से 11 PM रात तक दिया हुआ है। लास्ट फॉर द जनरेशन ऑफलाइन चैलेंज के लिए कुछ करना चाहते हैं 11/6 को करके बाद जो है कि डाउनलोड ऑफलाइन ये करना है, पेमेंट है, पेमेंट स्टेटस है, ये सारा चीज़ जो है कि अभी ये हमने फॉर्म को भर दिया है। यहाँ पेमेंट ऑप्शन के लिए क्लिक करेंगे, और ये जो है कि हैव यू नॉट अप्लाइड द एग्जामिनेशन, यानी कि हम जो कैटेगरी के लिए भरे हैं उसमें अलाउ नहीं है इसके लिए के। और जिसका जो है कि पेमेंट के लिए एलिजिबल होता है वो जो है कि पेमेंट के लिए जो है कि आप सारा प्रोसेस कर सकते हैं और खुद कर सकते हैं। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए कि मैं एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा कि कैसे पेमेंट करना है। और बाकी सारा जो है कि डिटेल यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का है। फोटोग्राफ में जो है कि आपका अलाउ फाइल साइज जो करता है 20 KB से लेके 50 KB सबमिट इसमें होगा, और सिग्नेचर के लिए जो है कि आपका 10 KB से लेके 20 KB तक होगा। और फिर डिक्लेरेशन यहाँ पर आ जाएगा, आगे एग्री यहाँ करना है, और यहाँ पे जो है कि कैप्चा करना है, और यहाँ पे जो है कि सबमिट करना है।
सबमिट करने के बाद जो है कि इस तरह का ये आ जाएगा, और फ़ोटो जो है कि जो फर्स्ट फ़ोटो देख रहे हैं ये इस तरह से जो है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा और जो है कि अच्छा इमेजिंग का होगा। बाकी ये जो जितना भी उदाहरण के लिए दिया हुआ है ये सबमिटेड नहीं है। तो इस तरह से ये सारा चीज़ जो है कि मैंने इसकी चर्चा। और अंत में सभी बहनों और भाइयों को पुनः एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि मैं विकास कुमार ठाकुर, मेरे बीके ठाकुर टैग चैनल पे, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और सभी बहनों और भाइयों और दोस्तों को शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और बोलिए आगे भी इसी तरह कम से कम 3 और को शेयर करें। इसके लिए सभी बहनों और भाइयों को दिल से थैंक यू सो मच। और हाँ, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।